गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ चुके थे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इसका मान ज्ञात करना है, सभी डिवाइड दिया गया है, ठीक है, भाग देने वाला पद दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 15 / 3/4, यानी 15 में भाग देना है 3/4 से, ठीक है, यानी लिखेंगे 15, इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें भाग देना है 3/4 से, 15 में 15/3/4 बराबर लिखेंगे 15, ठीक है, इसमें भाग देना है 3/4 से, समझे इसको गौर से। अब ये जब का जो 15 है इसके भाग क्या है, 3/4 है, ये आपको ऊपर जाएगा तो बनतेगा अंक, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15 × 4 जाएगा ऊपर, यानी 4/3, 4 आ जाएगा 15 के गुना में, ठीक है, यानी 15 × यहाँ था 3/4, यह हो जाएगा 4/3, कट जाएगा 3 से, 3 × 15, यहाँ ऊपर किया 5 × 4, 5 × 20 आपका इस प्रश्न का होगा आंसर 20। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें तो दिया गया है 12/5/6, इसको लिखेंगे 12/5/6 बराबर, इसका अर्थ क्या है कि 12 भाग देना किससे जी, 5/6 से, ठीक है, चलिए यहां लिखेंगे 12/5 लिखेंगे 5/6, ये जो 6 है ये आ जाएगा 12 के गुना में, यानी 12 × 6/5, यहाँ आपको कोई पद कटने वाला नहीं है इसलिए हम यहाँ इसको नहीं कटाएंगे, यहाँ गुना करेंगे 12 × 72/5 हो जाएगा, 72/5 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बचा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 क्या कह रहा है, इसमें लिखा गया है 9/7/3, यानी 9/7/3, यानी 9 में भाग देना है किससे जी, 7/3 से, ऐसे ही जो 3 है यह जाएगा इसके गुना में, 9 × 3/7, कोई पद कट वाला नहीं है इसको गुना करेंगे, ठीक है, 9 × 3 = 27/7, इसका अंदर कितना जी, 27/7। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसे देखेंगे, लिखा है 8/8/3 लिखेंगे बराबर 8/8/3, यहाँ क्या करें इस 8 भाग देंगे, ठीक है, इस 8 भाग देंगे 8/3 से, फिर ये जो 3 है पलटेगा यहाँ पे, यह जाएगा 8 के जब गुना रूप में, यानी 8 × 3/8, यहाँ 8 से 8 कटने वाला है, कटा देंगे 8 × 8 कट जाएगा, 3 × 3 बराबर 3 आपका सही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बचा है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है, तो यह करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, यहाँ देखेंगे 5 में दिया है
तीन भागा दो पूर्णांक दो बटा तीन, ठीक है, तीन भागा दो पूर्णांक दो बटा तीन, लिखेंगे बराबर, तीन भागा दो पूर्णांक दो बटा तीन। और यहाँ क्या करेंगे, पहले जो पूर्णांक है सूत्र तोड़ेंगे तब तो भाग देंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे तीन भागा, इसको तोड़ेंगे तीन दुगुनी छ, छ दू आठ बटा तीन, क्या जाएगा आठ बटा तीन, यानी और क्या करना है, तीन में भाग देना है किससे जी, आठ बटा तीन से, और ये तीन आएगा इसके गुना में, लिखेंगे तीन गुने तीन बटा आठ, ये गुना कर लेंगे तीन त्रिका नौ बटा आठ आ जाएगा सही आंसर इसका, कितना जी नौ बटा आठ। बचा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स, इसे आप लोग स्वयं हल करेंगे, ठीक है, जैसे ही हल किया गया है फाइव नंबर वैसे इसको हल करना है सिक्स नंबर को, पहले क्या करेंगे, पहले जो पूर्णांक है उसको तोड़ देंगे फिर इसको भाग देंगे साथ में, ठीक है, उम्मीद करते हैं जितना क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर वन से करके फाइव तक जो भी बचा क्वेश्चन सिक्स इसे आप लोग स्वयं हल करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।